डेफिनेशन किसकी थी हमारी? पार्टनरशिप की. पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 4. सेक्शन नंबर 4 हमें क्या बता रहा है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. इट मीन्स यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि पार्टनरशिप में कम से कम कितने पर्सन चाहिए? टू. आगे वर्ड क्या यूज किया? पर्सन. पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन. यहाँ से हमने क्या कनेक्ट किया? कंपनी. क्या एक कंपनी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? आंसर इज येस. पर क्यों बन सकती है? क्योंकि कंपनी कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है. मैम अगर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो इस कंपनी में, इस पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर बनेगी तो उसकी लायबिलिटी तो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड. क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नो. कंपनी की फीचर क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी. लेकिन वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होती है, मेंबर्स की? तो अब भी मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड. कंपनी की लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड. क्या कंपनी और मेंबर्स की एंटिटी सेपरेट होती है? आंसर इज यस. ठीक है, अब इससे आगे बढ़े. आगे क्या कहता है? हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट. सेकंड पॉइंट निकल के आया. इट मींस पार्टनरशिप करने के लिए प्रॉफिट शेयर करना क्या है? कंपलसरी. प्रॉफिट शेयर करना क्या है? कंपलसरी. नेक्स्ट, ऑफ अ बिजनेस. वर्ड क्या यूज किया? बिजनेस. बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. ट्रेड इन बिजनेस इंक्लूड्स क्या क्या है? ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. ओके. कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी. क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी. नाउ फिर से रिपीट करते हैं सेक्शन 4 की डेफिनेशन. पार्टनरशिप कौन से सेक्शन में डिफाइन किया? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पहली बात. दूसरी बात, पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2 पर्सन. उसी के साथ साथ जो किस चीज के लिए एग्री हुए? प्रॉफिट. प्रॉफिट शेयर करना क्या है? मैंडेटरी. किसका? बिजनेस का. एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, बिजनेस इंक्लूड्स ऑक्यूपेशन, बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन. तो तीन बातें क्या क्या? बिजनेस के अंदर क्या आएगा? पहला ट्रेड, दूसरा तीसरा. ओके, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल. नाउ अब फटाफट से हम इसकी फीचर्स का क्या पढ़ते हैं? क्रक्स. क्या है इसका क्रक्स? एक ही लाइन में आपको जिंदगी भर याद रहेगा क्या? मस्त बिजनेस. एम ए एस टी एंड बी, एम ए एस टी एंड बी. एम फोर, एम फोर, ए फोर, एस फोर, एस फोर, टी फोर, बी फोर. ओके, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है, एम फोर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि वही पार्टनर प्रिंसिपल भी होगा, वही पार्टनर एजेंट भी होगा. इसको हम बहुत डेप्थ में आगे डिस्कस करेंगे. आगे हम बात करेंगे एग्रीमेंट. क्या पार्टनरशिप चलाने के लिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गुड. इट मीन्स वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है. एस फोर क्या है? शेयरिंग प्रॉफिट. टी फोर क्या है? टू और मोर पर्सन. बी फोर क्या है? बिजनेस. बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, बिजनेस इंक्लूड्स ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. ओके, उसी के साथ साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, लास्ट टाइम बताइए सेक्शन 4 में क्या है डेफिनेशन. रिलेशन बिटवीन मिनिमम कितने चाहिए? टू. पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट. शेयर करना कंपलसरी. किसका? बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. वन सेकेंड में हमें पूरी डेफिनेशन का फीचर याद करना है. कैसे याद करेंगे? मस्त. एम फोर, ए फोर, एस फोर, T4, टू और मोर पर्सन एंड B4, गुड, ब्यूटिफुल. अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर की ओर. टाइप्स ऑफ पार्टनर की अगर हम बात करें, एक ही लाइन में हमें याद करना है, एक ही लाइन में हमें याद करना है, NDA पार्टी में सारे पार्टनर हैं. मैम ये क्या मजाकसी कर रही हो? NDA पार्टी में सारे पार्टनर हैं. हम एक एक पार्टनर को धीरे धीरे रिवाइज करेंगे. N4 होता है नॉमिनल पार्टनर. N4 क्या होता है? तो अगर हम बात करें, व्हाट डू मीन बाय नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर किसको बोला जाता है? इट मींस हम कह सकते हैं नॉमिनल पार्टनर उसको बोला जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना क्या देता है? नेम देता है. इट मींस अगर हम एक सेकंड के अंदर हमें याद करना हो व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल पार्टनर,
व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल पार्टनर? तो नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना क्या देता है, नाम देता है, उसे हम नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं, और नाम का इस्तेमाल करती है फर्म, उसके नाम का फायदा लेती है। तो इस तरीके के पार्टनर को हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। उसी के साथ साथ अगर हम दूसरी बात करें, एक है एन हो गया डी फॉर डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट को एक और बात बोलते हैं हम स्लीपिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? इट मीन्स वो एक्टिवली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट, स्लीपिंग पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ए फोर। ए के तीन नाम है, ए के तीन नाम है। ए के अगर तीन नाम की हम बात करें तो क्या क्या है, हम कह सकते हैं एक्टिव, ए फोर हम बोल सकते हैं एक्टिव, एक्चुअल, ओस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव, एक्चुअल एंड ओस्टेंसिबल पार्टनर आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इट मीन्स उसके तीन नाम है घर आने जाने का, घर का और फ्रेंड्स के बीच में। एक नाम उसका एक्टिव है, एक नाम उसका एक्चुअल है, और एक उसका ओस्टेंसिबल है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पी फोर, पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ क्या शेयर करता है? प्रॉफिट्स। इसको हम कनेक्ट करते हैं सेक्शन फोर की डेफिनेशन से। किससे कनेक्ट करते हैं? सेक्शन फोर की डेफिनेशन। सेक्शन फोर की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि उसमें प्रॉफिट शेयर करना है क्या है? कंपलसरी। क्या उसने लॉसेस के लिए भी बोला लॉसेस कंपलसरी है? इट मींस हम कह सकते हैं इसी वजह से ऐसा पार्टनर पॉसिबल है जो सिर्फ और सिर्फ क्या शेयर करेगा? प्रॉफिट्स। आगे बढ़ते हैं एस फोर, सब पार्टनर। मैम ये सब पार्टनर क्या होता है जरा बताना। देखिए बहुत आराम से समझते हैं। सब पार्टनर, पार्टनर का पार्टनर क्या बोला जाएगा? सब पार्टनर। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, क्या एक्स वाई जेड एक फर्म है, उसमें कितने पार्टनर है? ए बी और सी। कितने पार्टनर है? ए बी और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1। क्या है? 2:1:1। मिस्टर ए 2 है, मिस्टर बी 1 है और मिस्टर सी 1 है। सपोज करो इनको टोटल 10,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 10,000। ए के हिस्से में कितने पैसे आएंगे? 5,000। कितने आएंगे? बी के हिस्से में 2,500, सी के हिस्से में 2,500। इतनी बात समझ में आई? ए ने मिसेस गीता के साथ पार्टनरशिप कर लिया और इनका रेशो है 1:1। क्या है? अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या ये 10,000 रुपये में से बांटेगा, क्या ये 10,000 रुपये में से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या 5,000 में से डिस्ट्रीब्यूट करेगा? क्या इसकी पार्टनरशिप एक्स वाई जेड के साथ है? आंसर इज नो। क्या इसकी बी के साथ है? आंसर इज नो। क्या इसकी सी के साथ है? आंसर इज नो। क्या इसकी ए के साथ है? आंसर इज यस। इसको टोटल प्रॉफिट्स कितना हुआ था? 5,000। इट मींस 5,000 में से 2,500 किसके हो जाएंगे? मिसेस गीता। जो मिसेस गीता है इसको हम क्या बोलेंगे? सब पार्टनर। क्या बोलेंगे? और इस पार्टनरशिप को क्या बोला जाएगा? सब पार्टनरशिप। क्या बोला जाएगा? क्लियर हो गया एस फोर सब पार्टनर। ओके नेक्स्ट पार्टनर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्टनर हमारा क्या है? होल्डिंग आउट पार्टनर। कैसा पार्टनर है? होल्डिंग आउट पार्टनर। बड़े आराम से, बड़ी प्रेम पूर्वक समझिए, होल्डिंग आउट पार्टनर किसे बोलते हैं? बहुत आराम से धीरे से हम लोग समझेंगे होल्डिंग आउट पार्टनर हम किसे बोलते हैं। बेटा जी मुझे एक बात बताइए, आगे चल के हम आज रिविजनरी क्लास ले रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसको नोटिस देना कंपलसरी है। क्या देना कंपलसरी है? मतलब पब्लिक नोटिस देना होता है। लेकिन उस पार्टनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, उस पार्टनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। पब्लिक को तो आज भी पता है कि वो उस फर्म का क्या है? पार्टनर है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आउटसाइडर्स आज भी रिलाई करके कि ये व्यक्ति, ये आदमी इस फर्म का पार्टनर है, उसको पैसे दे सकती है या फर्म को कोई बेनिफिट दे सकती है? एक्चुअल में तो वो उस फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन उस थर्ड पार्टी के लिए वो पार्टनर होगा होल्डिंग आउट पार्टनर। क्या होगा? होल्डिंग आउट पार्टनर। इट मीन्स उसको क्या, कौन सा पार्टनर बोला जाएगा? होल्डिंग आउट पार्टनर। कौन सा पार्टनर बोला जाएगा? होल्डिंग आउट पार्टनर। इट मीन्स वो पोजीशन को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। पोजीशन को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। तो इस तरीके के पार्टनर को क्या बोला जाता है? होल्डिंग आउट पार्टनर। क्या बोला जाता है? होल्डिंग आउट पार्टनर। नाउ अब हम फिर से एक बार फास्ट ट्रैक इसको रिवाइज कर लेते हैं। फास्ट ट्रैक हम रिवाइज करते हैं, हम देखते हैं कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं। तो अगर हम पार्टनर की बात करें, टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो जल्दी से बताइए कितने? एनडीए पार्टी में सारे पार्टनर है। एन फोर, एन फोर, डी फोर,
और क्या बोल सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, ए फॉर एक्टिव एक्चुअल ऑस्टेंसिबल, गुड। उसी के साथ साथ पी फॉर पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, एस फॉर सब पार्टनर, एच फॉर होल्डिंग आउट पार्टनर। कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, इट मीन्स पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है। तो देखिए दो तरीके की पार्टनरशिप होती है, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक होती है पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप है, चले तो क्या बात है, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। ओके, इट मींस क्या इसमें कोई टाइम डिसाइड होता है, आंसर इज नो। क्या इसमें कोई पर्पस डिफाइन होता है, आंसर इज अगेन नो। इट मींस ना इसमें कोई उद्देश्य है और ना इसमें कोई समय है, ये सिर्फ इच्छा के ऊपर चलती है पार्टनर्स के, जब चाहे इसको खत्म कर सकते हैं। इस तरीके के पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। क्या बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया। आगे इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, या तो पर्टिकुलर टाइम के लिए या फिर पर्टिकुलर पर्पस के लिए। मैम ये बात तो हमें समझ नहीं आई, भैया हमने कहा कि मेरी और आपकी पार्टनरशिप है 4 साल के लिए, कौन सी पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर टाइम, यस और नो। हमने कहा हमारी मॉल बनाने की एक पार्टनरशिप हो रही है, कैसी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्या है पर्पस, क्या है हमारा, मॉल को कंस्ट्रक्ट करना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेरी और आपकी पार्टनरशिप हुई 4 साल के लिए, मुंडी इधर घुमाओ खुशी। इट मींस हम कह सकते हैं कितने साल के लिए पार्टनरशिप हुई, 4 साल के लिए। 4 साल के बाद भी, 4 साल के बाद भी हम पार्टनरशिप कंटिन्यू रखते हैं, कैसी पार्टनरशिप होगी। 4 साल तक तो मैं बताती हूँ, वो थी पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। 4 साल खत्म होने के बाद भी पार्टनरशिप है, कैसी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। क्लियर होगी बात, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं फिर से आपको बता देती हूँ। पहली बात, पार्टनरशिप के अंदर टोटल 74 सेक्शंस हैं। कुछ और चीज़ें जो पॉइंट टू बी नोटेड आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, कि अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर एक आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं। तो पार्टनरशिप के अंदर टोटल 74 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, 74 सेक्शंस हैं। और म्यूचुअल एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट दिया कॉक्स वर्सेस हिकमैन ने। किसने दिया है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। एक क्वेश्चन ये भी आपके यहाँ पूछ सकते हैं। उसी के साथ साथ जब हम किसी भी फर्म का नाम रखेंगे तो कुछ रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स हैं। क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स हैं, जैसे कि किंग है, क्वीन है, रॉयल है, एम्परर है, एम्प्रेस है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अगर करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट से रिटन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर से बताइए टोटल कितने सेक्शंस हैं। ओके, म्यूचुअल एजेंसी किसने दिया, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो भैया रिटन अप्रूवल ले लो, किससे, गवर्नमेंट से। ओके, उसी के साथ साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर एडमिशन करना है माइनर पार्टनर का, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप किसी माइनर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देना चाहते हो तो इसके लिए आपको सभी पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। इट मींस एडमिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर विद द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स, गुड। रजिस्ट्रेशन जो है फर्म का वो कंपलसरी नहीं है, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। इट मींस हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी। क्या किसी तरीके की कोई पेनल्टी है, किसी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं है। ओके, इट मींस हम कह सकते हैं फर्म में भी रजिस्टर्ड और फर्म में भी अनरजिस्टर्ड। अगला पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिए, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता है उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है, अगर किसी मुद्दे पे, अगर किसी पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रोविजन कहां से लेने हैं। मैम सच्ची में भगवान की कसम, झूठ नहीं बोल रही, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रोविजन कहां से लेने हैं। मैम आप सच्ची में प्रूव करके दिखा सकते हो, क्या आपने 12th पास करी है,
सब बच्चों ने करी, ऐसे तो नहीं सीधा 10वीं फेल सीधा सीएस फाउंडेशन या कुछ और करे, ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है। चलिए खैर, कई बार पर्चे लगे रहते हैं ना, 10वीं फेल बीए करे सीधा। इट मीन्स आपने क्लास 12th में अकाउंट्स पढ़ा होगा, अकाउंट्स पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है, पढ़ा है। ओके, उसमें आप अकाउंट्स के क्वेश्चंस करते होंगे, तो उसमें क्या ही क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता होगा, तो उस केस में आप क्या करते थे? इट मींस यही बात है कि अगर आपकी डीड में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो कहाँ से उठाना है? एक्ट से। और एक्ट क्या बोलता है? इक्वल इक्वल बांट लो, सबका साथ सबका विकास। बात समझ में आ रही है? ओके, इट मींस कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे, अगर फास्ट ट्रैक हम लोग रिवाइज करें विद इन सेकेंड। हमने कहा भैया पार्टनरशिप के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं? म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कॉक्स वर्सेस हिकमैन। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी? मैंडेटरी? क्या है? रिकर? कोई पेनल्टी भी नहीं है। ओके, एडमिशन अगर माइनर पार्टनर का करना है तो उसके लिए किसकी कंसेंट चाहिए? ऑल पार्टनर्स। किसकी कंसेंट चाहिए? ऑल पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रोविजन किसके लेने हैं? पार्टनरशिप एक्ट। आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाना है, दैट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बेटा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर आपको पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट करना है, क्या करना है? ट्रू टेस्ट करना है, तो उसमें सारे एलिमेंट्स होना जरूरी है। सारे एलिमेंट्स कैसे? म्यूचुअल एजेंसी भी होना चाहिए, एग्रीमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट टू और मोर पर्सन। खाली शेयरिंग प्रॉफिट अगर है तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। अगर खाली क्या है? शेयरिंग प्रॉफिट्स, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। पार्टनरशिप के अंदर एक ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप करने के लिए कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी। क्या है? लेकिन म्यूचुअल को छोड़ के पहले हमें एजेंसी समझना होगा। पहले हमें सिर्फ क्या समझना है? एजेंसी। फिर हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना है म्यूचुअल एजेंसी। तो बेटा जी बड़े ध्यान से सुनिए, पहले हम देखते हैं व्हाट यू मीन बाय एजेंसी। बड़े आराम से, बहुत ही आराम से, बड़े प्रेम से समझना है एजेंसी का मतलब क्या होता है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है, ये जिंदगी भर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है तो इसको बोलते हैं एजेंट। जिसको अपॉइंट किया उसको क्या बोलेंगे? एजेंट। जो अपॉइंट करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ओके, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया तो मिस्टर ए क्या है? प्रिंसिपल। और बी क्या है? एजेंट। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? एजेंसी। क्या बोलते हैं? ओके मैम, एजेंट का रोल क्या होगा? रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। कहाँ रिप्रेजेंट करेगा? इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। मिस्टर बी के हर एक काम के लिए जिम्मेदार होगा मिस्टर ए। मिस्टर बी के हर एक काम के लिए जिम्मेदार कौन होगा? मिस्टर ए। ओके, हम कह सकते हैं मिस्टर बी के एक्ट के लिए लायबल कौन होगा? ए। प्रोवाइडेड अगर दो कंडीशन पूरी होती है, पहली एक्ट विद इन द पावर। क्या है? एक्ट विद इन द पावर और एक्ट इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल के नाम से काम किया तो जिम्मेदार कौन होगा? नहीं तो अगर इनमें से कंडीशन की ब्रीच करी तो एजेंट क्या होगा? पर्सनली लायबल। क्या होगा? हम कह सकते हैं विद इन अथॉरिटी काम करना है और फर्म के नाम से काम करना है। अगर इससे बाहर जाके काम करोगे तो आप पर्सनली लायबल होंगे। एजेंट की बात समझ में आई? अब मैं देखिए आपको म्यूचुअल एजेंसी से कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होता है वो प्रिंसिपल भी होता है और साथ में एजेंट भी होता है। प्रिंसिपल भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। इट मीन्स एक पार्टनर जो काम करेगा उसके लिए जिम्मेदार दूसरे पार्टनर होंगे। कौन होंगे? दूसरे पार्टनर। इट मीन्स एक पार्टनर जो भी एक्ट होगा करेगा उसके लिए लायबल कौन होंगे? अदर पार्टनर्स। पार्टनर जो भी डिसीजन होगा उसके लिए बाउंड कौन होंगे? अदर पार्टनर्स। क्योंकि वही पार्टनर क्या है? प्रिंसिपल। और वही पार्टनर क्या है? एजेंट। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब बताइए, म्यूचुअल एजेंसी इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ। आगे बढ़े, चलो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। आगे देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट है माइनर का, लाइबिलिटी ऑफ द माइनर। इसे स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा, हमें यहां पे समझना होगा कि बेसिकली माइनर क्या होता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय माइनर।